चैनल एकता साइंस ट्यूटर। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में। तो मैं आज आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर ऑफ एटम से कुछ एक टॉपिक आप लोगों को समझाने वाली हूँ। हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर कुछ कवर किया था, जैसे कि एटम क्या होता है, एटम की डिस्कवरी किससे करी थी और कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे या कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था, कि जैसे कि हमने पढ़ा था थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, वेव और उसके कुछ पैरामीटर्स, और लास्ट में मैंने आपको आइसोटॉप्स और आइसोबार से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, न्यूट्रॉन निकालना बताया था। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जो अपनी एवरीडे लाइफ में मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड द ट्यूटर पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जिससे, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है कि कोई भी एक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, मोस्टली सबको पता है कि जो आयरन होता है वो हीट नहीं होता है, मतलब वो मेल्ट नहीं होता है। मैं अगर उसे कितना भी हीट कर लूँ लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास आयरन है और आयरन को मैं हीट कर रही हूँ, तो जैसे ही मैं उसको हीट करना स्टार्ट करती हूँ, टेम्परेचर देती हूँ, तो वो कलर चेंज करने लगता है। थोड़े अमाउंट में उसको अगर मैं टेम्परेचर दूँ तो वो थोड़े अमाउंट में फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व करेगा और कौन सा कलर देगा हमें, रेड कलर देगा। अगर मैं उस सब्सटेंस को और भी ज़्यादा हीट करने लगूँ और टेम्परेचर प्रोवाइड करूँ, देन वो कलर चेंज कर देगा येल्लो। एंड अगर ज़्यादा अमाउंट में उसे फ्रिक्वेंसी मिली या ज़्यादा अमाउंट में उसे टेम्परेचर मिला, तो लास्ट में वो कलर क्या चेंज कर देगा, ब्लू। तो इससे ये पता लगा है कि अगर कोई भी सब्सटेंस को मैं हीट कर रही हूँ और उसमें फ्रिक्वेंसी आ रही है या टेम्परेचर प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वो कलर चेंज करता है। जैसे हमने एग्जांपल में क्या पढ़ा है, आयरन। अच्छा, अब मैं आप लोगों की एक चीज़ बताती हूँ जो हम आई थिंक क्लास 10th या 9th में पढ़ते हैं, कि मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है लाइक अ बल्ब। अगर मैं एक बल्ब की रेडिएशन को, एक लाइट को सब्सटेंस पे ऐड करूँ, किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैं लाइट को पास कर रही हूँ, तो सब्सटेंस क्या करता है, कुछ तो अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ट्रांसफ़र कर देता है। बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा नहीं होता। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में अगर मैं किसी सब्सटेंस पे हीट दे रही हूँ, मतलब फ्रिक्वेंसी दे रही हूँ, तो वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करेगा और पूरी की पूरी वो अपने पास एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की डेफिनेशन है कि इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड, अगर मैं किसी सब्सटेंस को हीट करूँ, इज़ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इज़ अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, वो पूरी तरीके से उस लाइट को परफेक्ट एब्जॉर्ब करेगा एंड परफेक्ट रेडिएटर एनर्जी, और पूरी तरीके से परफेक्टर रेडिएटर एनर्जी को शो करेगा। लेकिन जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन आती है। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा अमाउंट में मैं टेम्परेचर दूँगी, जितने ज़्यादा अमाउंट में फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराऊंगी, उतना ही ज़्यादा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा। तो हमारी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हूँ तो उतना ही ज़्यादा इमिट होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मोस्टली किस पे डिपेंड है, हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड है। थर्ड वन क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हूँ तो हमारी जो पीक वैल्यू है, वेवलेंथ और पीक वैल्यू है, वेवलेंथ मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वेवलेंथ क्या होता है, कि जैसे कि मेरे पास ये वेव है, ये ऊपर वाला क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ, तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो उसी वजह से अगर मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ तो पीक वैल्यू मेरी क्या होती रहेगी, स्मॉलर। जैसे कि भाई हमने ग्राफ डिनोट किया है या ग्राफ बनाया है वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में, तो आपको दिख रहा होगा कि जितना ज़्यादा अमाउंट में मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ, हमारी जो ये पीक वैल्यू है उतनी ही क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो थर्ड हमारा ऑब्जर्वेशन यही है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ये पीक वैल्यू उतनी ही क्या होती रहेगी, वेवलेंथ हमारा कम होता रहेगा। तो इसे ही हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
अगर आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट पे कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मैं आप लोगों को बता सकूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग सब मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो।